इसकी जगह आप आओ पहले, आपको एक शीट नंबर 25 दी है मैंने, अनसॉल्व्ड सब्जेक्टिव शीट 25। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अनसॉल्व्ड शीट नंबर सब्जेक्टिव 25, सॉल्यूशन वाली नहीं, अनसॉल्व्ड सब्जेक्टिव शीट नंबर 25 ले। इसका क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े प्लीज, 14th क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन है फ्लैट कॉयल, एक कॉयल गिवन है जिसमें आपको 500 टर्न्स गिवन है, आपको एरिया गिवन है, रोटेट्स इन अ बी गिवन है, एंगुलर स्पीड ओमेगा बी गिवन है, कॉयल की खुद की रेजिस्टेंस 5 है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 है, जैसे डायनेमो में अंदर अपनी आर्मेचर की 5 है बाहर R15 है, तो टोटल कितनी 15, सॉरी एक अंदर 5 है और बाहर 10 है, तो टोटल कितनी 15। निकालना क्या है, व्हाट इज दी पीक करंट, पीक करंट का मतलब मैक्सिमम करंट जो जनरेट होगा, पीक ईएमएफ निकलेगी पहले, पीक ईएमएफ क्या होती है, एनबीए ओमेगा, एन पता है, बी पता है, ए पता है, ओमेगा पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो पीक करंट आ जाएगा, तो मैक्सिमम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। और मजे की बात है जितने मर्जी क्वेश्चन पढ़ लो डायनमो के, वो वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा डायनमो या जनरेटर, आपको मालूम, आपको हिंट नहीं देगा जनरेटर का क्वेश्चन है, वो कहेगा कॉइल टर्न कर रहा है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें आपको खुद ही ये डिटेक्ट करना है कि जनरेटर तो नाम है, कॉइल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है वो जनरेटर ही बन जाता है, ठीक, तो वर्ड की जरूरत नहीं है, आपको खुद ऐसी अंदाजा लगाना है पीक वैल्यू कैसी निकलेगी। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, एथलीट पेडल्स अ स्टेशनरी ट्राईसाइकिल, अब देखो साइकिल कहां से आ गई, साइकिल को पेडल मार रहा है एंड अटैच टू अ कॉइल, अब देखो वो कह रहा है पेडल मारता है तो कॉइल घूमती है गोल गोल, अब है तो जनरेटर, अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा यार ट्राईसाइकिल की प्रॉब्लम तो हमने की नहीं कभी, साइकिल की प्रॉब्लम क्या करनी है, डायनमो की प्रॉब्लम है, तो डायनमो में इतने टर्न्स है, एरिया गिवन है, कॉइल एक्स वाई प्लेन में है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है एंड रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 50 आरपीएम, आरपीएम जो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, तो आरपीएस फ्रीक्वेंसी आ गई तो ओमेगा तो आई जाएगा 2.2 फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या निकालना है, बी आपको गिवन है के कैप में, अब के कैप का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी, मुझे कैप चाहिए ही नहीं, वो कह रहे हैं मैक्सिमम ईएमएफ निकालो, मैं डायरेक्शन का क्या करना, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला तो मुझे वैसे ही पता है क्या होता है, एनबीए ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे 2.2 फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला पुट करो आंसर, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स किया हुआ है क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं है, सारी वैल्यू दे ही रहा है एनबी ओमेगा, ठीक, और जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है एवरेज ईएमएफ ओवर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होगी, देखो एक चीज बताओ, जो जो ईएमएफ जनरेट होती है जनरेटर में उसका डायग्राम यही बनता है, आधी वैल्यूज पॉजिटिव हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -5 और फिर 0, तो जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे ये कंप्लीट रेवोल्यूशन माना जाता है, पूरा चक्कर मतलब एक कंप्लीट साइकिल, तो आधी वैल्यूज पॉजिटिव है और आधी नेगेटिव है, ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज ऐड करके नेट आंसर क्या देंगी 0, तो ओवर कंप्लीट साइकिल एवरेज ईएमएफ क्या आती है 0, क्लियर, तो बी पार्ट इसका हाफ की एवरेज ईएमएफ क्या होगी, एसी चैप्टर वही सिखाएगा, ये एसी का क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक, इस क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें करेक्शन कर लेना,
सिक्सटींथ क्वेश्चन में लिखें नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000, सिक्सटींथ क्वेश्चन में लिखें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन 2000। सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर हैज अ डायमेंशन ऑफ, तो आप यहां से एरिया तो निकाल ही सकते हो। नेक्स्ट है कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है और बी की वैल्यू भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन लिखवा दिया मैंने। स्पीड ऑफ कॉइल इज 4200 rpm, तो क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 60 rps और ओमेगा की वैल्यू 2.2 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा भी आ गया। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यू, या सेम क्वेश्चन तो है, एनबीए ओमेगा वैल्यू पुट करो आंसर। और बी पार्ट में है इसका द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखवाया था जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट आपने ऊपर से निकाल लिया या ई मैक्स निकाल लिया, एक ही बात है, और एंगल उसने क्या बोला 30। तो जब एंगल 30 है, जब कॉइल को रोटेट किया गया बाय 30, तो उसका एरिया वेक्टर भी घूम गया होगा भाई 30, तो 30 पुट करके इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है इसे। लास्ट होमवर्क है, सेम ही है, एनबीए किया क्या अभी तक, डी फाई बाई डी टी या एनबीए ओमेगा या फ्लक्स इज बी इनटू एरिया। प्रैक्टिस अगली बार शॉर्ट टेस्ट है, छुट्टी तो है, मीन जब आओगे तो कुछ पढ़ के भी तो आओगे, तो सारा ईएमआई रिवाइज करके आना जितना भी है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फुल सिलेबस टेस्ट अभी तक नहीं दिया, होंगे बहुत होंगे जो फुल सिलेबस हुआ था,